चुनाव में बहुत गंदे उछाले गए थे, बहुत वायदे किए गए थे, बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बड़े बड़े सबल कांड दिखाए गए थे, गरीब को कहा विदेशों से काला धन लाएंगे, तेरे खाते में 15-15 लाख जमा कराएंगे। हम भी कांड हो जाए करते हैं, हमारे खाते में भी 15 लाख आए, कम भी आई किसी के खाते में। बात करते थे नौजवान दोस्तों से, 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, बेरोजगारी को जड़बूझ से समाप्त कर देंगे, नोटबंदी और जीएसटी के हाथ में इनसे रोजगार छीनने का काम तो किया, देने के नाम पर इनको सिर्फ धोखा देने का काम। बात किसान को कही गई थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, आपकी आमदनी दोगुनी कर देंगे। अब तक जो गाड़ी की कमी होया जितनी काम में दोगुनी हुई है, तेरह ज्यादा फिर जाने। बात करते थे इन माता और बहनों से, पूर्व सुरक्षा की गारंटी की बात की जाती थी, बात बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे दिए गए थे, पर आज अगर सबसे ज्यादा दुर्गति है तो इस देश और प्रदेश में माताओं और बहनों की। रोजाना अखबार की सुर्खियों में पढ़ते हैं अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, राजनी, मर्डर, विरोधी, ब्रेक इन काउंटर और चर्चा की बच्चों के साथ क्रूरता से गैंग रेप करके मार दिया जाता है। ये हालात कानून व्यवस्था की। आपके बीच में बात की गई थी व्यापारी से, कर्मचारी से, उन्हें भी अनेक तरह के प्रलोभन दिए गए, पर रहे सारे के सारे आर्थिक पास। एक पहले बात करते थे राम मंदिर की, अडवाणी जी इतने भी घूमते थे, अब राम मंदिर का नाम देंगे तो राम मंदिर की तो बात गई, वो राम को बेंच में बिठा रखे है, अडवाणी रखे अपने पोती में 15 दिन के बाद चुनाव होते हैं, उसका भी पोती आपके बीच में। अब कहते हैं राष्ट्रवाद, कई राष्ट्रवाद की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, कुछ समझा दोगे? तुम्हारे वैसे कोई राष्ट्रवाद की बात जानता है क्या? इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। हम राष्ट्र विरोधी हैं या तुम राष्ट्रद्रोही हो, बताओ तो सभी। 20-20 साल के जवान छोरे तो बहुत हो, तो हमारे मरते हैं, सीनों से गोलियां वो खाते हैं, पंखों से वो उड़ाए जाते हैं, और राष्ट्रवाद का जुम्मा इनके जुम्मे। अब कहते हैं धारा 370 खत्म कर देंगे, 35 ए खत्म कर देंगे। एक आदमी भी बता दे धारा 370 है कि, और उसका हमें लाभ क्या है? ये खत्म भी कर दे मान ली, उसका हरियाणा प्रदेश के लोगों को, इस देश के लोगों को उस धारा 70 का 35 ए का क्या लाभ होगा वो तो बताएं, उनके एक्सप्लेन तो करें हमारे सामने। सिवाय जुमले झूठे नारे नई नई बातें करके हमें बरगराने का काम करें। एक और राजनीतिक दल है, वो सुन के किसी के बोल देखता हूँ तो कहेंगे अब न्याय होगा। तो 70 साल तक तुमने क्या किया था भाई? चार चार पुत्र राज किए तुम्हारे, तो खड़ाओं ने भी राज किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी को 3 करोड़ के लोगों को जिता करके भेजने का काम किया, नरसिम्हा राव उनके खड़ाओं पर बैठते थे करते रहे, सरदार मनमोहन सिंह ने किया, तब तुमने न्याय भी किया था, कैसे न्याय की उम्मीद करें? अब कौन सा न्याय का तरीका है, कौन सा तराजू ले आए, कहां से ले आए बता दो दो, सिर्फ बरगलाने की बात करते। इस तरह के और भी राजनीतिक दल आएंगे,
बड़े बड़े समझदार दिखाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। सनातन से मेरी रात के बीच बात ना कुछ करना ना करना चाहिए। चलते कोई है जिन्हें चलने की आदत है, आपके सामने जननायक जनता पार्टी के कथन हुआ आप सब लोग भी गए वहां, दूसरे मैंने 12 घोषणा कर दी आपके बीच में की, वही हमारा संकल्प पत्र है, वही शपथ पत्र है, वही घोषणा पत्र है। आपकी जो ताकत होगी, आपकी जो कलम होगी, इसे पहली कलम से काबू करने का काम है। और जैसा आपको बीच में बताया हमारे इन सहयोगियों को किस तरीके से दिल्ली में केंद्र की सरकार ने प्रदान किया, जिस तरीके से वहां पर लगातार बाधाएं उत्पन्न की गई, उसके बावजूद भी बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं इन्होंने दी है, उस देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दूसरे देश भी समीक्षा करने के लिए आते हैं कि उन्हें ये ठीक है देश, और उसको पहली कलम से पानी करने का काम करें। ये होगी तभी संभव जब आपकी छोटे मोटे मन मुटाव विदेश में शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बचेरे से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के लोग सुबह सवेरे 12 तारीख को नहा धोकर के परम पिता परमात्मा का वाहेगुरु का अल्लाह ताला का जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर के जहाँ जेजेपी के उम्मीदवार है वहां सपन के निशान पर, और जहां आपका उम्मीदवार है वहां झाड़ू के निशान पर मोर लगाने का काम करेंगे। हम आपके रास्ते के पूरी तौर पर साफ कर देंगे, आपके कांटे को एक एक वहां से सुन लेंगे।